दोस्तों, आज हम सैमसंग का जो कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बढ़िया फीचर्स तो ये देखो, कितनी कितने प्यारे से बटन्स हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 23 डिग्री टेम्परेचर, -23, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आप -23 सेट कर सकते हो, -90 अगर ठीक ठाक मौसम है जैसे अभी है तो आप -90 डिग्री सेट कर सकते हो, फ्रीज़र का टेम्परेचर है। और अगर बिल्कुल ठंडा है तो आप -15 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर सकते हो, ठीक है। और सेम ही ये नीचे का जो अपना रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट है उसके सेट करने का है। तो 1 डिग्री का मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 3 का मतलब अभी वाला सीजन है, 7 का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब होता क्या है कि कभी कभी अपने को ज़रूरत पड़ गई। कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि ये जो वाला पार्ट है रेफ्रिजरेटर वाला, बर्फ़ वाला पार्ट, इसको आप एज ए नॉर्मल जो नीचे वाला पार्ट है उतना टेम्परेचर सेट कर सकते हो। तो उसको आप जस्ट यहाँ पे आपको बटन प्रेस करना है, जैसे मैंने अभी कर रखा है। दोनों नीचे बर्फ़ वाले का पार्ट और नीचे वाले का पार्ट, दोनों का 7 डिग्री टेम्परेचर है। अभी मैं अगर इसको दबा के रखूँ तो रिमोट चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, अब ये फ्रीजर का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब कि अब ये बर्फ़ जमाएगा। अब एज ए रेफ्रिजरेटर ये चेंज हो गया। तो कितना बढ़िया है कि अगर आपके घर में ज़्यादा बंदे हैं, कभी कोई मैरिज फंक्शन है, आपको बर्फ़ नहीं चाहिए, आपको दूध वगैरह कुछ रखना है, तो आप ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा यार, आइस का बड़ा बढ़िया सिस्टम है। आप यहाँ पे पानी डालो, बर्फ़ जम जाए तो ऐसे कर दोगे तो ये नीचे गिर जाएगी, जैसे बर्फ़, तो आप ऐसे करके बर्फ़ इकट्ठी कर सकते हो। पर एक बार, मतलब बंदा क्या बार बार यही करता रहे, बार ऐसे निकलता है, बड़ा बढ़िया स्मूथ है। पर बंदा क्या बार बार इसको भर दिया, फिर बर्फ़ जम गई, फिर ऐसे कर रहा, कब तक करता रहेगा। ये थोड़ी सी कंपनी को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी बढ़िया, बाकी ये प्लास्टिक है। मेरी कंपनी से बात हुई, वो ये बोल रहे कि यहाँ पे आप बर्फ़ के जो कप्स होते हैं वो भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हम नीचे वाले पार्ट में। नीचे वाले पार्ट में ये जो पार्ट है, देखो कितने कितने प्यार से इसको आगे पीछे आप कर सकते हो, कितनी बढ़िया फिनिशिंग है प्लास्टिक सारा। फिनिशिंग देखो एक नंबर। दूसरा ये देखो कि इजी स्लाइड, कितने कितने प्यार से स्लाइड हो रहा है। नीचे ये वाला स्पेस है जो सब्जियां वगैरह रखने का है, जो नॉर्मल होता ही है। अब देखो, अब ये वाले जो है ये फिल्टर्स लगे हुए हैं। फिल्टर का क्या काम है, कल को जैसे बदबू वगैरह कुछ आने लग जाए फ्रिज में, तो वो सब करने के लिए है। बाकी यार ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छा फ्रिज है। अब एक चीज़ है, देखो 20 ईयर्स की वारंटी इन्होंने दे दी, किस चीज़ की, पूरे कंप्रेसर की। बाकी फ्रिज की वारंटी 1 ही साल की है, ये एक मेन चीज़ है कि 1 साल की वारंटी कहाँ होती है यार, 5, 7, 10 साल की तो होनी चाहिए, है ना। कंप्रेसर में तो वैसे भी कभी इशू मैंने सुना नहीं। दूसरा, आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और 3 स्टार रेटिंग है, बट ये रेटिंग 2022, दिसंबर 2022 की 3 स्टार है, तो करंटली ये 2 स्टार के इक्वल है, जो 2000 जो अपनी 23 की जो ये अपडेटेड स्कीम आया है, हर साल ये अपडेट होता है। तो कोई भी फ्रिज लो, दो तीन चीज़ें अपने ध्यान में रखो हमेशा। सबसे पहले कि स्टोरेज, कितना स्टोरेज है, ग्रॉस स्टोरेज और स्टोरेज वॉल्यूम, 234 लीटर का स्टोरेज है। जैसे जो बेचने वाला बोलेगा 253 लीटर का स्टोरेज है, भाई साहब ये 253 लीटर का नहीं, एक्चुअल स्टोरेज इसका 234 लीटर का ही है। ये चीज़ें देखने वाली है। दूसरा, ये कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कितने स्टार का है, वो स्टार रेटिंग कौन से साल की है, ये वाली चीज़ें। दूसरा, 2-3 हज़ार रुपये सस्ता आता है फ्रिज अगर आप कन्वर्टेबल नहीं लो तो। ये कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल वही वाली बात जो मैंने आपको अभी बताई, ये फ्रीजर नॉर्मल फ्रिज में भी कन्वर्ट हो जाता है और आपका बर्फ़ भी, बर्फ़ वाले में भी, फ्रीजर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्टेबल नहीं लोगे तो 2 हज़ार रुपये सस्ता है। बाकी अगर ऑफिशियली सैमसंग की साइट पे जाके आप ऑर्डर करोगे तो उसमें कुछ न्यू यूज़र का डिस्काउंट चल रहे हैं, वहाँ से आपको थोड़े और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों थैंक यू, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।